चंदला थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीपुर गांव में 13 जनवरी की शाम करीब 7 बजे जब प्रहलाद सिंह अपने घर की छत पर बैठा था, तभी आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। परिजनों के द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घायल प्रहलाद सिंह को गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। 13 जनवरी को हुई घटना के बाद चंदला थाना पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ग्वालियर में मौत के बाद जब मृतक का शव उसके गाँव पहुँचा तो परिजनों ने घर के बाहर लाश रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर चंदला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसटीओपी लवकुश नगर पीएल प्रजापति भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद परिजनों को समझाइश और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन परिजनों का कहना था कि जब तक पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं करती, वह मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं एसटीओपी लवकुश नगर ने बताया कि इलाज के दौरान प्रहलाद सिंह की ग्वालियर में मौत हुई है। मरकर डायरी ग्वालियर में है। कर्मचारी जैसी डायरी लेकर चंदला पहुंचेंगे, मामले में 302 धारा का इजाफा किया जाएगा, साथ ही साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह साहब। मृतक आपका कौन था? भाई, भाई साहब। क्या घटना हुई थी? क्या घटना हुई है बताइए। क्या क्या हुआ था? कहाँ कैसे मारा? किस मारा है साहब? का कहावत है यहाँ, मार के डाल दिया, नीचे पड़ा था। थाना चौकी जाते हैं, कोई सुन नहीं रहा। और थाना गए, कहा था ये राहुल गया, अमर सिंह गया, वहाँ दरोगा साहब का कहा था इनको गाली दिया, भगा दिया, और भगा दिया। और फिर चाहे कुछ भी सोचा हो, फिर गाड़ी लेके आ गए। अच्छा, यहाँ लिहाज मेरी पड़ी थी भाई की, यहाँ उसके दरोगा साहब ने 2 थप्पड़ मारा और गाली गलौज किया। नहीं तो आपका भाई खत्म कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में साहब? अच्छा, ग्वालियर हाँ, में खत्म हुआ हाँ, है, इलाज के दौरान खत्म हाँ, हुआ है। यहाँ से चंदला से छतरपुर, छतरपुर में तुरंत रिफर किया ग्वालियर के लिए, ग्वालियर गए, ग्वालियर से तुरंत हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने। बोल 10वें महीने में राम नारायण सिंह के यहाँ चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अपराध पंजीबद्ध चंदला थाने में किया गया था। तो इन्होंने अरविंद सिंह पर चोरी का शक व्यक्त किया था, जिसमें पुलिस उन्हें पकड़ करके ले गई थी और पूछताछ की थी। उसी के आवेश में ये लोग रंजश मानते हुए दिनांक 13/1/2023 को प्रहलाद सिंह के छत पर आकर गोविंद सिंह, सीएम सिंह, बलराम सिंह, जयराम सिंह ने मारपीट की थी, जिससे प्रहलाद सिंह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और अस्पताल ले जा गए थे। अस्पताल में देहाती नालसी पर इन चारों आरोपियों के विरुद्ध में अपराध क्रमांक 13/23 कायम किया गया था। फिर इनको इलाज के लिए छतरपुर भेजा गया था। प्रहलाद सिंह को छतरपुर में सिटी स्कैन होने के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया था। ग्वालियर में दिनांक 15/16 की रात में इनकी मृत्यु हो गई, इसी घटना में आई चोटों की वजह से, जिनकी डेड बॉडी आज रात में यहाँ लाई गई है। प्रकरण की जो मर्ग डायरी है ग्वालियर से प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही ग्वालियर से आज शाम तक हमारा कर्मचारी डायरी लेने गया, लेकर के आएगा, उस डायरी के आते ही प्रकरण में धारा 302 हत्या की बढ़ाई जाएगी और जांच पर और भी जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया बचौन चौकी प्रभारी पर कि उन्होंने गाली गलौज की है और जो है जो मृत है उसके साथ में जब वो जीवित था मारपीट की है। इसके संबंध में हमने उनसे कहा कि एक लिखित में आवेदन दें, अगर उसके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया तो उसके लिए हम विभागीय तौर पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।